Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain question number 12 and question number 13 of exercise 2E, chapter name Relation and Function, class 11th Mathematics. So let's start the video from question number 12. The function fx is equal to log in bracket x plus root of x square plus 1 is a an even function, b an odd function, C a periodic function, D neither an even nor an odd function. Means आपको ये जज करना है कि जो function दिया गया है ये even है या odd है या periodic function है या ना तो even है ना तो odd function है. तो सबसे पहला काम even function क्या होता है और odd function क्या होता है, इसको हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तो आप चाहिए तो वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा इवन या ऑड फंक्शन क्या होता है. थोड़ा यहाँ से बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या डिफरेंस है. सपोज वी हैव ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स या रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स विद माइनस एक्स, सो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. यू गॉट सेम आंसर, एक्स स्क्वायर. मीन्स वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ एफ माइनस एक्स आर सेम, एफ एक्स एंड माइनस एफ एक्स आर सेम. सो फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन. मीन्स ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े, वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा. लेकिन अगर ऐसा होता एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वैल्यू तो वही मिलती बट उसका साइन चेंज हो जाता, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाता या माइनस से प्लस में, तो वो फंक्शन आपको ऑड फंक्शन कहलाता. जैसे एक फंक्शन सपोज कर लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक, अगेन इफ यू रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, सो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब. माइनस एक्स क्यूब मीन्स माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में सिर्फ निगेटिव का फ़र्क है, यानी कि आप कह सकते हैं एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. तो इस तरीके का फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा. तो इवन फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, वो इवन फंक्शन कहलाएगा. और अगर उसके निगेटिव साइन का फ़र्क पड़ जाता है तो वो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ये आपका 12th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बताइए फंक्शन एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है या कुछ नहीं है इसमें से, नाइदर इवन नॉर ऑड. तो इवन या ऑड चेक करने के लिए हमको सबसे पहले तो इसको क्या करना होगा, एक्स को रिप्लेस करना होगा माइनस एक्स से और देखना होगा क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं. एक्स रिप्लेस विद माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो फिर से प्लस बन जाएगा ना, निगेटिव का स्क्वायर करने पे वो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव आता है. तो अभी तो आप इसको और इसको नहीं फर्क बता सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, जबकि बाहर माइनस आता तो हम कहते हैं कि वो ऑड फंक्शन है. या इसी तरीके से सॉल्व करके इसकी और इसका फॉर्म बिल्कुल एक जैसा होता तो आप कहते हैं कि इवन फंक्शन है. लेकिन अभी कोई कंपेरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स है और माइनस एक्स है. ज़रा से इसको रीअरेंज करते हैं, आगे पीछे लिख लेते हैं ताकि पॉजिटिव टर्म पहले आ जाए, निगेटिव बाद में आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है आपको. और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सॉरी माइनस एक्स, ये होगा ना पॉजिटिव टर्म माइनस निगेटिव टर्म. हम इसको रेशलाइज कर लें ज़रा से तो देखिए क्या बनता है. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्ज़ाम में, वो आईआईटी वगैरह में, आईआईटी पाली वगैरह में पूछा हुआ है, समझिएगा. ये आपका क्वेश्चन था, इसको रेशलाइज करने के लिए नंबर तो यही होंगे, सिर्फ बीच का साइन बदल देंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे माइनस एक्स था, हम प्लस एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं.
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अब इससे देखिए फ़र्क क्या पड़ जाएगा आपका, जो फंक्शन है ऊपर हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा एंड एक्स स्क्वायर सिंपली ऐसी, एंड डिनोमिनेटर आपका क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। क्लियर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या आपका लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब अगर डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके जाएं तो क्या बनेगा, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर माइनस वन। ठीक है, ये माइनस वन लॉग की प्रॉपर्टी से पहले आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए पावर बी, ऐसे लॉग ऑफ ए पावर पी, तो पावर पहले आ जाएगा, पी लॉग ए बन जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे जो पावर माइनस वन है वो पहले आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए यही तो आपका क्वेश्चन था, ये चीज़ आपका पूरा क्वेश्चन था, हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ माइनस एक्स की। तो एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू मिल रही है आपको वो किसके इक्वल मिल रही है, माइनस एफ एक्स के। तो ये फंक्शन आपका इवन कहलाएगा या ऑड कहलाएगा, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होगा। क्लियर, आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या किया गया है। ये आपका क्वेश्चन था, एफ एक्स की वैल्यू दी गई थी, हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वन। उसके बाद क्या किया, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, मीन्स अरेंज द दिस टर्म, ओके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब आपने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लिया, रेशनलाइज में क्या होगा, बीच का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रूट सिर्फ यहीं तक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब आपने जब रेशनलाइज किया तो क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर आपका उसी तरीके से है, लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हमने पहले लिख दिया बाद में लिख दिया कोई फ़र्क उससे पड़ना नहीं है। ये पूरा पावर आपका टर्म ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर, तो होल पावर माइनस वन लगेगी और ये माइनस वन की पावर पहले आ जाएगी क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी ये होती है। अच्छा अब ये टर्म आपका एज ए फंक्शन एफ एक्स था, गिवन फंक्शन है, सो एफ माइनस एक्स की वैल्यू वही हो गई जो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो रही है। तो अगर इस तरीके का रिलेशन मिलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। अगर यहाँ पर माइनस का साइन ना आ रहा होता तो ये आपको क्या होता, इवन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा, ये तो प्रॉपर्टी बताया था। क्लियर, नाउ 13 क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज एन इवन फंक्शन। मीन्स आपको क्या शो करना है कि ये इवन फंक्शन है, यहाँ पर हिंट दे दिया गया है कि इवन फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स और एफ एक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 13, देन वी विल सॉल्व इट। ओके, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट फॉर प्रूफ वी सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, यही ना होगा, x को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, मीन्स जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में x था हम वहाँ वहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स। लेट्स सी द न्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, f माइनस एक्स एंड हियर वन अपॉन माइनस एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर है इसलिए उसके माइनस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब हमने क्या किया, ये माइनस को यहाँ पे लिख दिया और इसको रीअरेंज कर दिया, मीन्स पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म। क्लियर, मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट ऑफ एक्स। क्लियर, अब आपको क्या करना है, ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है इसी को रेशनलाइज करना है, बाकी जो मेन रूट है उसको वैसे रहने देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, देखते हैं क्या बनता है। नाउ रेशनलाइज दिस टर्म, क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ, ये हम ब्रैकेट लगाते रहे, ये तो रहेगा ही। ठीक है, हम सिर्फ रूट के अंदर वाले टर्म की बात करें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये है तो आपका क्वेश्चन का पार्ट है। हमने क्या किया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स से न्यूमरेटर में और इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, एज ए डिवाइड कर लिया,
एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन तो सपोज कर ही सकते ना। अब अगर इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का रूल लगा दिया जाए तो कितना बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, लॉग ऑफ अंडर रूट, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक। अच्छा अब अगर हम इसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखें तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस वन, वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट, ये देखिए ये ऊपर जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स होल पावर माइनस वन, ठीक ना, ये तो वन न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब हमने इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा तो पावर माइनस वन होगा, जैसे वन अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन, इसी तरीके से यहाँ पे भी। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर है वो पहले आ जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपका हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, यही तो आपका एज ए फंक्शन था, यानी कि ये क्या मिल गया आपको एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हमारी एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, ये तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकल रही है, हम कह सकते हैं कि हमारा एफ एक्स और एफ एफ माइनस एक्स सेम है, एफ माइनस एक्स एंड एफ एक्स आर सेम, ये एफ माइनस एक्स है ये एफ एक्स है, तो अगर से सेम होगा तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। तो ये तो प्रूफ करना था ना कि आपका ये फंक्शन जो दिया गया है वो आपका इवन फंक्शन है, क्लियर। सबसे पहला काम क्या किया, फंक्शन को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद इसको रीअरेंज किया, पॉजिटिव टर्म पहले निगेटिव बाद में, उसके बाद रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर का टर्म बचेगा, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे पावर माइनस वन हो जाएगी, वो पावर लॉ की प्रॉपर्टी से पहले आएगी, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका इनिशियल फॉर्म हो गया जो फंक्शन का दिया गया था। तो ये पूरा फंक्शन आपका एज ए एफ एक्स है, हमने क्या वैल्यू निकाली है एफ माइनस एक्स की, तो एफ माइनस एक्स और एफ एक्स आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, तो अगर इस तरीके का रिलेशन हो तो फंक्शन क्या कहलाता है आपका, इवन फंक्शन। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसी तरीके का एक आपका एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज में, तो उसको भी समझे रहिएगा, एग्जाम में तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ओके, अगेन इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।